आवत जाओ भैया, आवत जाओ, भीषण ठंडी पड़ती है। समाजवादी अलाव जलाए ध्यान, आओ आओ भैया, आओ आओ। अरे भैया बहुत बढ़िया पंडित जी, कह दिया पंडित जी। अरे हाँ भैया, आता भैया ठंड लाग रहा है, गरीब आदमी हमरे सब बहुत कांपा थे ठंड के मारा, बहुत नहीं किया ना, ना, हमारे सब जान थे भैया, बहुत साला नरक होई के बाद ठंडी में भैया, ठंडी बहुत जोर लाग गया भैया। देखत आए भाजपा सरकार में पूरे शहर में कहूँ अलाव नहीं जलता है, जलता भैया। भैया समर जी भैया काम जाए, हमारे पार्टी वाले कहे आए कि कहूँ पड़े हुआ तुरंत अलाव जलावत जाओ, बहुत नीक किया भैया। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक किया भैया, बिल्कुल। अरे हाँ हाँ, चिंता ना करो, अब अलाव बराबर जलोबे, हर चौराहा जलोबे, तो सबका ठंडी परेशान ना हुए दिया। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया ठीक है, ठीक मिल जा तो और बढ़िया। नहीं नहीं हम सारी व्यवस्था करोबे, तुम्हें सब तपता तापत जाओ भैया, भरोसा। हाँ तपता तापत जाओ भैया। हाँ, आज इतनी भीषण ठंड हो रही है, इसको देखते हुए आज हमने समाजवादी अलाव अयोध्या जनपद के तमाम चौराहों पर जलवा रहे हैं, और जो राहगीर हमारे भाई हैं या ठंड से विवश हैं, गरीब हैं, वो आके अलाव सेक रहे हैं। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि आज भाजपा सरकार की नगर निगम व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ना कहीं अलाव की व्यवस्था है। अयोध्या जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के नगर निगम ध्वस्त हो चुके हैं, योगी सरकार में कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है, लोग ठिठुर रहे हैं, सड़कों पर कांप रहे हैं, लेकिन कहीं हाथ सेकने की व्यवस्था नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी तथा हमारे आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने हम लोगों सपा कार्यकर्ताओं को सख्त से सख्त निर्देश दिया है कि जहां इस भीषण ठंडी में गरीब भाई रहते हों, शहर के चौराहों चौराहों पर समाजवादी कार्यकर्ता तत्काल समाजवादी अलाव की व्यवस्था कराए, जलवाए, जिससे हमारे समाज और जनता के लोग इस विकट ठंड में राहत पा सके। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत अयोध्या फैयाबाद।